कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी महिला अस्पताल में डेढ़ महीने में संवेदनहीनता का दूसरा मामला सामने आया है। आरोप है कि सोमवार देर रात प्रसव पीड़ा के साथ पहुंची एक महिला को प्रसव में 2-3 दिन का समय बताकर अस्पताल में भर्ती करने के बजाय इंजेक्शन देकर लौटा दिया गया। अस्पताल से करीब 150 मीटर दूरी छतरी चौराहे पर ही चलते ऑटो में महिला को प्रसव हो गया। इस दौरान नवजात बच्ची के सिर में भी चोट लग गई। गनीमत रही कि गर्भवती के साथ उसकी ननद और सास भी थी, जिन्होंने जच्चा बच्चा को संभाल लिया। CMS 12 घंटे बाद भी अनजान बनी रही। गफूर बस्ती वार्ड नंबर 12 निवासी पेंटर इमरान कुरैशी उर्फ राजा ने बताया कि सोमवार रात उसकी पत्नी शब्बो को प्रसव पीड़ा हुई। इस इमरजेंसी में उसने अपने परिचित का ऑटो मांगा और खुद उसे चलाकर पत्नी को रात करीब 11 बजे महिला अस्पताल लेकर पहुंचा। उसके साथ उसकी माँ और बहन भी थी। राजा का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने पर उसने इमरजेंसी वार्ड में मौजूद डॉक्टर को पत्नी के प्रसव पीड़ा होने की बात बताई, जिस पर डॉक्टर ने जांच कर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला होने की बात कही और भर्ती करने से इनकार कर दिया। इमरान ने बताया कि डॉक्टर ने पत्नी की 2-3 दिन बाद डिलीवरी कराने को कहा और दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन लगाकर घर भेज दिया, लेकिन पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। राजा के अनुसार अस्पताल से निकलते ही छतरी चौराहे पर उसकी पत्नी को अचानक प्रसव हो गया और उसने नन्ही परी को जन्म दिया। वह पत्नी व नवजात को लेकर घर पहुंचा और क्षेत्र में रहने वाली दाई को नाल काटने के लिए बुलाया। इमरान ने बताया कि प्रसव पीड़ा अधिक होने के बाद भी चिकित्सक ने शब्बो को भर्ती नहीं किया, जिस कारण उसकी ऑटो में डिलीवरी हुई है। उसने दोषी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की है। सब हमारा 3-4 एड्रेस होने उन्होंने बुलाया, वो भी करवाया हमने, सब करवा के ओके करवा के यहाँ पर आए। उनका 8 बजे दर्द चालू रहे मेरे भाई के, तो मैं 11:30-10:30 का टाइम था, तो यहाँ पर लेकर आया हम उसको। बहन भी है हमारी बड़ी है, उनकी बड़ी बहन है ना, मेरी साली हुई है, मेरी मम्मी आई, तो मैं नीचे रुक गया था ऑटो ले गया, वो ये ऊपर चली गई ले गए उनको। तो फिर ये आधे घंटे के बाद मेरे पास आया, आधे घंटे के बाद बोले वो मना कर रहे हैं, वो लोग नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, कि 3-4 दिन के बाद डिलीवरी होगी और 4-5 दिन के बाद डिलीवरी होगी। तो मैं इनको लेके बाद तो यहाँ से चला गया, जाते ही छठी चुराहे पे जैसे हम लोग उठे वैसे मेरी वाइफ की डिलीवरी हो गई। वाइफ अरे ये पेशेंट को हमें सही से देख लिया और लापरवाही करी गई, हमारा बच्चा जो टेम्पो में हो गया और डॉक्टर ने ये कहा था 2-3 दिन में होगा, अभी नहीं होगा, उन्होंने जांच करने के बाद मना करा। तो जांचें कहाँ हुई आपकी, हॉस्पिटल कराई गई? नहीं, वैसे जैसे औरत को देखा जाता उन्होंने इस तरीके से देखने के बाद मना करा था। हमें नाम वाम कुछ नहीं पता, पड़े हुए हैं नहीं, डॉक्टर जो नाइट ड्यूटी में होते हैं भी थी, नर्स भी थी। इसकी सूचना आपने यहाँ के CMS को दी है? हमने किसी को नहीं दी है सूचना उचना, हम अपने बच्चे वो मरीज को लेकर रास्ते में पहुंचे हैं, रास्ते में बच्चा टेम्पो में नीचे गिर गया था। तो होगी ये चीज़ कि ऐसे-ऐसे करके रास्ते में बच्चा, मुझे नहीं पता, मैं अपने घर पे उसे बच्ची को रास्ते में हमें वापस थोड़ी लाती, ऐसे हालत में आधे रास्ते में बच्चा हो गया है, तो रास्ते में हो गया, रास्ते में हम घर ले गए, दाई की वजह से हमने बच्चा करवाया है। हमने कहा था भाई ना पता है, इन्होंने कहा मेरे पास फोन आया था करके, पेन हो रहा है, मैं आ रही थी, फिर फोन आया करके हमें 3-4 दिन का समय दे दिया, आप मत आओ। फिर बाद में उन्होंने भैया ने सुबह फ़ोन करके बताया करके बेटी हुई है, मैं हो गई है, मैं तो पड़ा मुझे, बाकी मामला इनको मालूम है, ये लोग आए थे यहाँ पे। कौन डॉक्टर देख रही थी इनको? तो सर मुझे नहीं पता रात को कौन डॉक्टर थे, मैं नहीं आई थी इनके साथ, ये लोग आए थे अपने।